हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब? तो आज हमारा रिटर्न डे, बैक टू होम, शिमला टू दिल्ली। तो अब हम जाने वाले हैं घर। तो हमने कर लिया सारा सामान अपना पैक, ये देखिए। और अब हम करने वाले हैं ब्रेकफास्ट। ये आ गया अपना ब्रेकफास्ट। तो चलते हैं दिल्ली की तरफ और देखते हैं कैसे होंगे व्यूज़, कितना लगेगा टाइम दिल्ली जाने में शिमला से। और वेदर तो आज बिल्कुल क्लियर है। जब हम आए थे तो बहुत ज़्यादा फोगी फोगी था यहाँ पर, बट अब ऑलमोस्ट ठीक है, धूप निकली हुई है, खिला खिला मौसम है। देखते हैं दिल्ली जाने में कितना वक्त लगेगा, कब तक पहुँचेंगे हम दिल्ली। अभी जो टाइम हुआ है वो टाइम हुआ है अराउंड 9:45। तो अभी हमें नीचे जाना है, अपना सामान बांधना है बाइक पे, सामान बांधेंगे, लगेज रेडी करेंगे, फिर उसके बाद निकलते हैं दिल्ली। फ्रेंड्स, हम निकल चुके हैं शिमला टू दिल्ली के लिए, घर के लिए। और अभी हमने जस्ट शिमला से उतरी है अपने रूम से बाहर। यह है डीसीपी ऑफिस, राइट साइड में जो देख रहे हैं आप, शिमला का रास्ता है। ये जो फ्रेंड्स मेरे लेफ्ट साइड देख रहे हैं, ये शिमला रेलवे स्टेशन है। जो कालका शिमला ट्रेन चलती है आपको दिख रही होगी, वो नीचे चल भी रही है अभी फिलहाल। तो ये कालका शिमला ट्रेन वाला रूट है, ये शिमला स्टेशन है, बिल्कुल शिमला बस स्टैंड के पास है, ओल्ड बस स्टैंड के पास ही है, अंदर ही है। ये रास्ते में ही पड़ता है शिमला टू दिल्ली, दिल्ली टू शिमला जाते में, कोई साइड में नहीं है ये। तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, आज जब हम आए थे तब उतना ज़्यादा नहीं था, हाँ बट इतना नहीं था, आज कुछ ज़्यादा ही लग रहा है। और जगह जगह पुलिस वाले भी खड़े हुए हैं, थोड़ा ट्रैफिक रूल को थोड़ा सही करने के लिए, ट्रैफिक सुचारू रूप से चलाने के लिए। बहुत ज़्यादा पुलिस वाले जगह जगह खड़े हुए हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले। देखिए नीचे से भी लाइन आ रही है, ये रेलवे स्टेशन से आ रही हैं गाड़ियाँ ऊपर की तरफ, तो इनको वेट करना पड़ रहा है क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा है। आज बहुत मज़ा आने वाला है फ्रेंड्स वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहिए वीडियो में, देखते रहिए क्या आपको अच्छा लगता है क्या नहीं, तो सभी चीज कमेंट करके बताइए जरूर। और अगर आपको कोई और लोकेशन पे हमें भेजना है, कहीं और लोकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए जहां हम जाएं आपको एक्सप्लोर करके दिखाएं, तो प्लीज़ उस लोकेशन का नाम शेयर करिए, हम जल्द जल्द कोशिश करेंगे वहां जाने की और आपको एक्सप्लोर करके दिखाएंगे वहां के व्यूज़, नज़ारे, रास्ते, कितना टाइम लगता है दिल्ली से। सोलन दिखा रहा है यहां से 39 किलोमीटर अराउंड, और 1 घंटा 18 मिनट हम थोड़ा सा आ चुके हैं शिमला से, 4-5 किलोमीटर निकल आए हैं। हम सोलन होते हुए जाएंगे दिल्ली, तो देखते हैं कितना टाइम लगेगा अभी सोलन, फिर सोलन से दिल्ली। ये कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है साइड में, अभी आपको मैंने वादियाँ दिखाई, घाटियाँ बिल्कुल साफ दिख रही थी, और यहाँ से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। देखिए फोग कितना नीचे से उड़ रहा है, ये यहाँ देखिए बिल्कुल नीचे से उड़ता हुआ आ रहा है, एकदम मौसम व्यू आ रहा है। फ्रेंड्स अलग अलग एरिया में अलग अलग व्यू है, थोड़ा सा आप निकलेंगे धूप आएगी, थोड़ा सा निकलेंगे एकदम से ठंड हो जाएगी। अम्बाला है 134, दिल्ली है 33 और पंडा घाट 17। चंडीगढ़ है यहाँ से 90 किलोमीटर, इधर आपको अराउंड 100 किलोमीटर पहाड़ों पहाड़ों में गाड़ी चलानी पड़ेगी। ये कुछ मार्केट है, मेन बाजार शोधी शिमला। देखिए नज़ारे कुछ यूं हैं यहाँ रास्ते में, ये पहाड़ों के बीचों बीच नीचे को छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से घर बने हुए हैं। मोस्ट ऑफ द घर की जो छत होती है वो रेड कलर की है ज़्यादातर, ग्रीन दिख रहे होंगे आपको मेरे कैमरे से, पीछे पहाड़ लेयर बाई लेयर बनने हुए हैं पीछे। यहाँ तो धूप है, आधे पे धूप है, फिर देखिए अच्छा है, फिर उसके ऊपर कैसे बिल्कुल फोगी फोगी मौसम है, और ऊपर बादलों का नज़ारा देखिए कितना खूबसूरत है, देखिए चारों तरफ। और इधर जो पहाड़ बिल्कुल सूखे हैं, ग्रीन ग्रीन एकदम से, ये देखिए। और ये रोड का नज़ारा कुछ ही है, गाड़ियाँ जा रही हैं बड़ी स्पीड से यहाँ से, तो
तो चलिए चलते हैं आगे। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, डबल रोड बनाया जा रहा है, साइड में एक और रोड का काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन। शिमला में ये पहली जगह दिखी मुझे जहाँ पर ये डबल रोड चल रहा है। अभी यहाँ पर काम ही चल रहा है और यहाँ काफ़ी लैंड स्लाइडिंग हुई हुई है, पीछे लिखा भी है लैंड स्लाइडिंग पर, थोड़ा ध्यान से चलें। यहाँ जगह जगह आपको लैंड स्लाइडिंग मिल जाएगी, तो इसलिए आप थोड़ा सा सावधानी से चलें तो बेहतर है। ये देखिए रोड कितना चौड़ा किया जा रहा है वहाँ तक। ये बीच में कुछ घर वगैरह थे वो भी तोड़ दिए गए, ये देखिए ये रहे, क्योंकि रोड चौड़ा कर रहे हैं। और यहाँ देखिए आधे साइड में धूप आ रही है, आधी साइड में छाया। वेदर एकदम बहुत प्यारा है, इसी चीज़ के लिए, यही सब देखने के लिए लोग शिमला आते हैं। थोड़ा वेदर होता है कैसा, बार बार बदलता है, कभी ठंडा कभी गर्म। गर्मियों में तो खासकर लोग पहाड़ों पर आना पसंद करते हैं। देखिए ये लिखा है पत्थरों के गिरने की संभावना है यहाँ का। देखिए यहाँ से पूरा बीच में से रोड पहाड़ काट के रोड बनाया जा रहा है, डबल रोड होगा तो ये यहाँ से रास्ता हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पर, डबल रोड करने का प्रोग्राम तेज़ी से चल रहा है। और इससे एक बड़ा फ़ायदा है, जो टूरिस्ट आते हैं काफ़ी शिमला, उनको कम टाइम लगेगा शिमला आने में, जल्दी ही पहुँच जाएंगे। देखिए यहाँ भी कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है, इस साइड में बहुत बढ़िया हो जाएगा ये, कम टाइम में आप शिमला आ पाओगे। और यहाँ पर हो रहा है फ्रेंड्स फ्लाईओवर का काम, यहाँ फ्लाईओवर बन रहा है, तो यहाँ रास्ता काफ़ी डाइवर्जन है। ये जो जाम लग रहा है फ्रेंड्स, जो फ्लाईओवर बन रहा है ये शिमला कालका वाला जो ट्रेन है, टॉय ट्रेन कहते हैं, उसकी वजह से लग रहा है ये, यहाँ पर उसके लिए फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। फ्रेंड्स हम पहुँच चुके हैं सोलन शहजाद भाई के पास, ये हैं अपने भाई शहजाद भाई। और शहजाद भाई क्या हाल चाल है? तो काफ़ी दिन बाद मिले हम, लगभग 4 साल हो गए हैं उसके बाद मिले। और ये राहुल और खजरू, तो यहाँ शहजाद भाई का घर, हम खा रहे हैं खीर। और ये खीर किस चीज़ की है शहजाद भाई? ये है लौकी की खीर, तो ये कुछ स्पेशल है, यहाँ आके कुछ अलग मिला है। तो चलते हैं, करते हैं टेस्ट इसको और बताते हैं आपको कैसा है टेस्ट। टेस्ट मेरे को तो राहुल ने खत्म कर लिया, राहुल ने तो ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया है। अल्टीमेट थी खीर, मतलब पहली बार खाई है लौकी की खीर ऐसी। एकदम मौसम, मैंने तो आधी खा ली आधी रह गई है, बहुत मजा आ रहा है खाने में। और अभी खाएंगे और लेंगे शहजाद भाई से, बहुत अच्छी लग रही है। फ्रेंड्स ये है सोलंग, सोलंग का बाजार, मेन मार्केट सोलंग की, जो कि शिमला में ही आता है। अगर आप गाड़ी से जाएंगे तो आपको यहाँ से होकर जाना होगा, बस वगैरह यहीं से जाती है। बाकी बाहर की तरफ एक बाईपास भी है जहाँ से लोग जाते हैं, बाईपास है 3-4 किलोमीटर का फर्क पड़ता है, वहाँ से थोड़ा लंबा है और यहाँ से थोड़ा शॉर्ट है। बट बड़ी गाड़ियों के लिए थोड़ी सी दिक्कत भी हो सकती है, जाम भी मिल सकता है। यहाँ बाइकर्स वगैरह के लिए इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट अच्छी है काफ़ी। शिमला के बाद ये पहला स्टॉप ऐसा है जहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ मिली है हमें देखने को, काफ़ी एकदम रश है, लोग भी बहुत हैं यहाँ पर, दुकानें शॉप सब कुछ अच्छा पूरा भरा हुआ है, लाइक शिमला या दिल्ली जैसे कि है। फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ थोड़ा अंदर से तेरा वेट कर रहा था, आगे रोकूंगा, ये राहुल रह गया था पीछे, इसके लिए वेट करने के लिए मैंने यहाँ गाड़ी रोकी थी। तो यहाँ पर देखिए कंस्ट्रक्शन हो रहा है और यहाँ पर नीचे से अंडरपास भी बन रहा है, ये राजगढ़ सोलंग के नीचे बाजार से। और ये काफ़ी बड़ा अंडरपास है, ये सोलंग में काफ़ी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, देखिए पूरी तरीके से पहाड़ पार दिए गए। अब जो फ्रेंड्स हमें रास्ता मिलने वाला है वो सोलंग से चंडीगढ़ के लिए डबल लेन हो चुका है, पूरा का पूरा क्लियर है और डबल लेन दोनों लाइन चालू हैं। तो चलिए देखते हैं वहाँ से कैसा मज़ा आएगा, कितना टाइम लगेगा वहाँ से चंडीगढ़ पहुँचने में अब सोलंग से, क्योंकि रास्ता जो है एकदम ऑल सेट है, मस्त वाला हो रहा है। तो आज चंडीगढ़ से सोलन तक का 4 लेन हो चुका है, टू एक साइड। और ये देखिए कितना प्यारा है, एकदम मस्त मक्खन टाइप रोड बना दिया गया है। आप जितनी मर्जी तेज चलाइए लेकिन एक लिमिट में। चंडीगढ़ बचा 67 किलोमीटर और पंचकूला 55, परमाणु 35। तो हम पंचकूला होते हुए चंडीगढ़ जाएंगे जो, और अभी ये सारा रास्ता ऑलमोस्ट 4 लेन ही है, आराम से गाड़ी चलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। इससे पीछे जो गाड़ी चलाने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, कंस्ट्रक्शन बहुत हो रहा था तो दिक्कत तो हो रही थी। अगर आप यहाँ 2022 में आओगे, 22 या 22 के एंड में, तो ऑलमोस्ट यहाँ काम ख़त्म हो चुका होगा। चंडीगढ़ तो शिमला वो मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटे में पहुँच जाओ जब ये कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो जाएगा, क्योंकि रोड 4 लेन हो रहे हैं और ये हाईवे इतना मस्त बना रखा है। देखिए आगे क्या नज़ारा है यहाँ से, और व्यू भी एकदम से कमाल आ रहे हैं। तो ये बहुत एक अच्छा काम हो गया है जो यहाँ पर 4 लेन हाईवे हो गया। ये देखिए नीचे से फ्लाईओवर बना कर नीचे से भी रास्ता दिया गया, ऊपर से भी हम पहाड़ों में से अंदर से जाएंगे,
आई थिंक ये ऊपर से घूम के हम वापस जा रहे हैं। ये देखिए कितना प्यारा सा रास्ता है और ये पेड़ एकदम लाजवाब, इनका कोई जवाब नहीं, कितने मस्त लग रहे हैं, कितने खतरनाक आ रहे हैं, एकदम ऑसम वाला व्यू। ये देखिए ये सिंगल रोड है सिर्फ जाने का, वो आने का रोड नीचे से है, ये ऊपर ही ऊपर पहाड़ों में तो काट के बना दिया गया है रास्ता, यहाँ आने का कोई रास्ता नहीं, सिर्फ जाने का ही है टू लाइन। तो फ्रेंड्स देखिए आने वाला एक टनल, एक प्यारा सा लाइट्स जल रही है उसके अंदर, देखिए सामने आ गया है और कोई गाड़ी खड़ी है शायद, वो खराब है, पंचर वंचर हो रहा है उसमें। तो निकलते हैं इस टनल में से, ये एक अलग रास्ता बनाया गया है पहाड़ काट कर, ये टनल बनाया गया है। देखिए सिंगल ही रास्ता है, सिर्फ जाने जाने का है, आने का नहीं है। ये प्यारा सा टनल है जो कि सोलन से चंडीगढ़ के बीच पड़ता है और ये टनल काफी लंबा है, आप देख सकते हैं टनल काफी लंबा है, लेने और आराम से गाड़ी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है 40-50 की स्पीड से, आने का नहीं है, ये वन वे है ये ओनली। एकदम बहुत ही बढ़िया लाजवाब यार, मजा आ गया इस टनल में से निकलते हुए। तो एकदम लाइटिंग इतनी लगी हुई है इसके अंदर, आप आराम से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो शिमला आने के लिए दिल्ली या चंडीगढ़ या कोई भी इधर से आते हैं चंडीगढ़ होते हुए, तो बहुत आसानी हो जाएगी उनको वाया चंडीगढ़ टू शिमला, दिल्ली वालों के लिए खासकर। अब ये मज़ा आने वाला है एकदम, यहाँ से निकलेंगे तो एक औसम सा व्यू देखने को मिलेगा, आई थिंक ऐसा लग रहा है सामने। देखिए ये कितना प्यारा सा है, यहाँ बादल बादल हो रहे हैं, ये देखिए फोग फोग बहुत है, हमें ज़्यादातर मौसम ऐसा ही मिला है। ये देखिए यहाँ पर भी फोग है। तो फ्रेंड्स 500 मीटर आ गए है टोल गेट, हम साइड से निकल जाएंगे, यहाँ साइड में एक रास्ता है, ये इनका अच्छा है इन्होंने यहीं से इस रास्ता दे रखा है, नहीं तो रास्ता ही नहीं होता है बाइकर्स के लिए। अब देखते हैं रास्ता कैसा होगा, अभी तक तो बढ़िया मिला है हमें एकदम। तो फ्रेंड्स देखिए हम यहाँ से आए, उधर से कितना अच्छा रास्ता बना दिया गया, ये साइड से ऊपर ऊपर पहाड़ काट के, आई थिंक ये पहले रास्ता था ही नहीं, थोड़ा सिंगल था और साइड में से था, फ्लाईओवर है, पहाड़ों के साथ साथ फोर लेन कर दिया गया है। रोड साइड पे ये शॉप लगी हुई है छोटी छोटी सी, गुड्डे वगैरह डॉल्स हैं, बच्चों के खिलौने वगैरह हैं, टेडी बेयर। एकदम से ये देखिए नज़ारा एकदम ग्रीन वैली है, ग्रीनरी है, यहाँ पेड़ पौधे, कोई सूखे पहाड़ नहीं है, लेयर बाय लेयर पहाड़ है। देखिए पीछे कहाँ तक, एक के पीछे से एक, और ये रोड है, ये नई न्यू रोड है जो चंडीगढ़ से शिमला जा रहा है या शिमला टू चंडीगढ़, ये अलग से बनाया है एक रास्ता, और ये बहुत डबल रोड कर दिया है, फोर लेन है, बहुत चौड़ा रोड है, मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने में, वो सिंगल रोड नहीं है जैसे कि पहले था, टाइम लग रहा था। अभी तक तो ये सोलंग तक क्लियर हुआ है और सोलंग से चंडीगढ़, सोलंग से शिमला भी अभी काम चल रहा है, इधर का तो बन गया, शिमला वाया चंडीगढ़ वाया सोलंग तक तो पूरा क्लियर हो गया ये। तो चलिए चलते हैं आगे, आपके लिए ऐसी जगह जगह से व्यूज़ ले रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं, तो अगर आपको व्यूज अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ यार लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। और इसे नीचे देख रहे हैं आप, ये नदी है शायद कोई, यहाँ तो पानी बहता है अभी बहुत कम है, सूखा हुआ है ये, नदी बराबर है, तो ये पहाड़ों के बीच में तो पानी बहता हुआ है अभी। देखिए फ्रेंड्स ये चंडीगढ़ जाने का रास्ता है, अभी तो चंडीगढ़ आया भी नहीं है, शिमला से चंडीगढ़ जाते वक्त जब हिमाचल की सीमा खत्म होगी तो आपको रास्ता और भी ज़्यादा मस्त मिलेगा, पहाड़ी नाके बराबर है, पंजो 2 किलोमीटर, फिरोजपुर 248 किलोमीटर। देखिए फ्रेंड्स व्यू कितना कमाल का आ रहा है ये चंडीगढ़ जाने वाले रास्ते में, देखिए वहाँ दूर कोई वो नदी है बहुत बड़ी कोई, ये देखिए वहाँ पानी नज़र आ रहा है, यहाँ से कैमरे में बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दूर है इसलिए, बाकी ये नीचे का व्यू देखिए एकदम से, खेत है यहाँ पर, बहुत ही खूबसूरत व्यू आ रहा है एकदम से, नज़ारा एक अलग ही है अल्टीमेट वाला। ये पहुँच चुके हैं हम पंचकूला लगभग, ये पिंजौर का रास्ता है साइड में, हमें जाना है पंचकूला होते हुए सीधे,
दिल्ली है सीधा, और नाना साहिब लेफ्ट, और यमुनानगर के लिए भी लेफ्ट निकल जाएंगे यहाँ से, एग्जिट करना पड़ेगा, लेकिन हम जा रहे हैं दिल्ली, तो हमें जाना है बिल्कुल सीधा अम्बाला होते हुए। यहाँ हो रहा है बारिश का मौसम, हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, थोड़ी थोड़ी सी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा तेज नहीं है। फ्रेंड्स जैसा कि देख रहे हैं आप, मेरे पीछे टोल ये है अम्बाला चंडीगढ़ एक्सप्रेसवे, और हम लगभग अम्बाला पहुंचने ही वाले हैं। तो ये एक्सप्रेसवे पे आए हैं, ये तीसरा टोल पड़ा जब से शिमला से चले। बीच में चंडीगढ़ बाईपास पे पंचकुला के आसपास बारिश हो गई थी बहुत तेज, जिसकी वजह से कैमरा अंदर रखना पड़ा हमें, और अभी निकाला है टोल पे पहुंचे हैं, तो क्योंकि गर्मी लगने लगी थी बहुत तेज, इधर बारिश नहीं है, मौसम सूखा है। तो चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं आगे के व्यूज़ कैसे होंगे। बस अब अम्बाला जाकर गाड़ी रोकेंगे, देखते हैं अम्बाला रुकती है तो नहीं, तो फिर सीधा कुरुक्षेत्र, वहीं खाना वाना खाएंगे, अभी तक कुछ खाया नहीं है। तो चलिए चलते हैं आगे, कर दिल्ली के लिए लेफ्ट रखना है NH 44, और लुधियाना के लिए राइट लेना है, अमृतसर के लिए यू टर्न। तो हम जा रहे हैं दिल्ली, तो हम लेंगे लेफ्ट और सीधा ऊपर। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको अम्बाला जाना है तो आपको लेफ्ट लेके नीचे से राइट जाना पड़ेगा, राइट में अम्बाला सिटी, हरियाणा अम्बाला में आपका स्वागत है। तो हम पहुंच चुके हैं अम्बाला, तो चलिए चलते हैं आपको, ये अम्बाला सिटी। देखिए फ्रेंड, लेफ्ट से जो रास्ता जा रहा है ये अम्बाला कैंट के लिए, अम्बाला कैंट 1.5 किलोमीटर है, और करनाल सीधा जा रहा है 76, दिल्ली 201 किलोमीटर बचा है, हमने अराउंड 150 किलोमीटर से ज़्यादा का रास्ता कवर कर लिया है, अब 200 किलोमीटर बचा है दिल्ली, अम्बाला से दिल्ली लगभग 200 किलोमीटर है। कुरुक्षेत्र बचा है अभी 44 किलोमीटर, करनाल है अभी बताइए 71, पानीपत 112, दिल्ली 201। तो अब हम ब्रेक लेने वाले हैं कुरुक्षेत्र में। फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं कुरुक्षेत्र, जो कि लगभग हमने 200 किलोमीटर गाड़ी चला ली है, और अभी हमने लगने लगी है बहुत तेज धूप, टाइम हो गया है 5, तो अभी सफ़र रह गया लगभग 150 किलोमीटर और आगे कुरुक्षेत्र में दिल्ली का। तो हमने ऑर्डर किया है, अभी क्या ऑर्डर किया है राहुल? दाल मखनी, कढ़ाई पनीर। एक दाल मखनी और कढ़ाई पनीर और बटर रोटी। तो खाना आता है, चलिए करते हैं उसको फिनिश, फिर चलते हैं आगे। गाड़ियों को भी तब तक रेस्ट मिल जाएगा, बहुत टाइम से चल रही है 200 किलोमीटर, ये पहला ब्रेक हमारा जब से हम शिमला से चले हैं। करनाल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ करनाल वेलकम, ये है दीवान, ये देखिए। सुबह शाम हो गई है तो हम आ गए ये टोल पर, यहाँ पर तो टोल क्लोज दिखा रहा था मैम ने, बट ये भी रास्ता है, किसान प्रोटेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसी वजह से, प्रोटेक्टिंग की वजह से यहाँ पर क्लोज दिखा रहा है, बट ये अभी फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ हो रहा है प्रोटेस्ट। फ्रेंड्स ये है प्रोटेक्शन के पीछे थे, सिंध बॉर्डर को क्रॉस करने का रास्ता, ये पीछे करेंगे तो नहीं होगा। अच्छा निकलते हैं इधर, तो फोर व्हीलर तो फ्रेंड्स टाइम हुआ है पूरे 9 बजे हैं, और हम पहुंच चुके हैं वजीराबाद। अब यहां से रास्ता अलग अलग है, राहुल को जाना अपने घर और मुझे जाना सीधे जेसर गार्डन की तरफ, और ये पीछे सिग्नेचर ब्रिज अब दिखने रहा, तो चलिए चलते हैं, अलविदा कहते हैं राहुल को और चलते हैं फिर आगे। चल राहुल मिलते हैं फिर, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिप पे, जल्दी मिलते हैं फिर, अब अलविदा कहते हैं, सामान रख लिया हमने अपना अपना, ठीक है, बढ़िया रही जन।
ठीक है चल आराम से, ठीक है ओके बाय बाय। जर्नी बहुत बढ़िया रही, अब हम दोनों हो गए अलग अलग। राहुल अपने वजीराबाद से अपने घर की तरफ चला गया और मेरे को सीधा जाना भी दिलशाद गार्डन की तरफ। तो